जिले की गोकुलपुरी में फिर भड़की हिंसा, कबाड़ की दुकानों में की गई आगजनी, हालत बेकाबू। दिल्ली हिंसा को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सभी जिलों की सुरक्षा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक आज, बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। दिल्ली हिंसा पर हाई कोर्ट में आधी रात को हुई सुनवाई, पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट किया गया तलब। बीजेपी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी की वजह से समाज में घुलता जा रहा नफरत का जहर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काव्य नौटियाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आई सोमवार को, फिर कल मंगलवार को, आज भी तस्वीरों में एक बार फिर से हिंसा की जो तस्वीरें हैं आपके सामने निकल कर आई हैं। हर जगह पर उपद्रव की हालात है, तोड़फोड़, आगजनी, पथराव, ये लगातार ये घटनाएं आपके सामने आ रही है। अगर मैं अपडेट आपको दे दूं तो दिल्ली के गोकुलपुरी में एक बार फिर हिंसा भड़की है। कबाड़ की जो दुकानें थी उसमें आगजनी की घटनाएं की गई हैं। इसके साथ ही जिसके बाद, अगर लगातार मैं कहूं जिस तरीके से उपद्रव मचाया गया, उसके बाद पुलिस विभाग ने उपद्रवियों को देखते ही कल रात को ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए थे। आपको बता दें कि हिंसा में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 146 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था का जिम्मा सीआरपीएफ के डीजी को सौंपा है। सीआरपीएफ के डीजी ट्रेनिंग एसएन श्रीवास्तव की इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्हें दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं गाजियाबाद की लगी हुई जो सीमा है उसे सील कर दिया गया है। तो स्थिति बेहद ज्यादा एक तरीके से अगर कही जाए खराब होती जा रही है। यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ, अलीगढ़ जो आपके एरिया पड़ते हैं, ये लखनऊ, इन सभी जगहों पर, जब भी हाल ही में आपने जो तस्वीरें आंदोलन की देखी थी, प्रदर्शन की देखी थी, उन सभी तस्वीरों के मद्देनजर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिसके बाद सवाल उठना बेहद लाजमी सा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है एकाएक देश के अंदर इतनी ज्यादा हिंसा फिर से एक बार, कितनी मुश्किल से, जबकि देश ने दिसंबर की तारीख को समेटा जब वहां आगजनी की घटनाएं हुई थी। ना सत्ता कुछ कह रही है, ना विपक्ष कुछ कह पा रहा है, आखिरकार क्यों नहीं कह रहा है? दिल्ली में कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के हाथ में है, फिर क्यों आखिरकार कंट्रोल में नहीं किया जा पा रहा है भीड़ को? उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्यों में से एक है, उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने दो दिन के अंदर अंदर, दो दिन से भी कम अवधि के अंदर, उत्तर प्रदेश में आगजनी हिंसा की घटना पर कंट्रोल कर लिया था। दिल्ली में आखिरकार इतनी जनसंख्या भी तो नहीं है कि उसे कंट्रोल ना किया जा सके, क्यों आखिरकार लगातार इस तरीके के प्रदर्शन नजर आ रहे हैं? मतलब कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, ध्वस्त होती नजर आ रही है। सीधा सवाल गृह मंत्रालय से भी होगा कि आखिरकार इन घटनाओं पर अभी तक रोक क्यों नहीं लग पाई है? दूसरा सवाल, क्यों विपक्ष और सत्ता मिलकर के नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए देश में अमन शांति नहीं कायम कर पा रही है? तीसरा सवाल, केजरीवाल सरकार क्यों कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है केंद्र सरकार से कि आखिरकार इस स्थिति को सामान्य करिए? ये तीन सवाल अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि इन तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि ये दिल्ली को सुरक्षित रखे, शांत रखे, अमन शांति वहां कायम रखे। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक ये तस्वीरें आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर कर रही हैं कि देश में अब अहिंसा का मार्ग त्याग करके लोग हिंसा के मार्ग पर चलने लगे हैं। एक सौ छियासी लोगों से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं इस घटना में। आपको बता दें कि कल आधी रात को दिल्ली हाईकोर्ट खोला गया। मुरलीधर ने, जस्टिस मुरलीधर ने अपने आवास पर ही कोर्ट को बनाया, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट किसी भी जज को दिया गया है कि वो किसी भी क्षेत्र को कोर्ट रूम घोषित कर सकते हैं अगर उन्हें जरूरत लगती है तो, क्रिटिकल कंडीशन पर, यह अधिकार है उनके पास।
तो ये तस्वीरें आपके सामने मैंने रखी। इन तस्वीरों के बाद बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिरकार लगातार इस प्रकार की घटनाएं कैसे आ रही हैं। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय उनसे कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सुनील त्रिपाठी जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अतुल मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले सुनील जी आपके पास जाना चाहूंगी, सवाल सीधा और साफ ये कि आखिरकार दिल्ली की कानून व्यवस्था को ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी चरमरा चुकी है कि वहां शांति व्यवस्था कायम नहीं की जा पा रही। काव्या जी, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जी, यहाँ मुख्यमंत्री जी इंडिविजुअल है। मेरे विचार जो निर्णय उन्हें लेना है और जिस तरह दंगा नियंत्रण किया वो अति सराहनीय है कि दो दिन में लखनऊ की आग खत्म हो गई। बिल्कुल, दिल्ली में यहाँ से अंतर है कि वहाँ मुख्यमंत्री कोई और है, गृह विभाग किसी और के पास में है, तो पर्दे पीछे कहीं कहीं मुख्यमंत्री की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसा नहीं, प्रशासन चाहे तो दंगा खत्म नहीं होता है, कानून व्यवस्था लचर कैसे हो सकती है? सारा प्रशासन वहां बैठा, हमारा गृह मंत्रालय वहां बैठा है, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इससे तो हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कहीं मुख्यमंत्री जी की भी भूमिका इसमें केजरीवाल जी की संदिग्ध है। और अब समय आ गया है इन दंगाइयों के साथ कठोरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि अब तीन महीने हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन कैसे हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए स्पष्ट रूप से। कौन चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या कोई असामयिक तत्व हो जो ऐसे प्रोत्साहन दे रहे हैं इन लोगों को, उनकी जांच होनी चाहिए और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो समय आ गया है कि ये लोग बिना अहिंसा के बल पे नहीं मानेंगे, इनके साथ भी हिंसा बल प्रयोग करना चाहिए, तभी खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से अतुल जी लगातार राजनीतिक पार्टियां आपस में ये गड़बड़ झाला एक तरीके से मैं कहूंगी लेकर के चल रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था नहीं बना रहा है, कानून व्यवस्था वाले जो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी वो कह रही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों आखिरकार कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है? देश की राजधानी है दिल्ली, वो जल रही है तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस हिसाब से तो कि यहाँ पर अमन चैन कायम किया जाए। काव्य जी आपने बहुत बढ़िया बात कही, देश की दिल्ली है राजधानी है दिल्ली जी। आप ये देखिए और भी राज्य है वहां पर हिंसा क्यों नहीं हो रही जी। सबसे पहली बात ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रही, राजस्थान में क्यों नहीं हो रही, वहां पर आज तक कोई शाहीन बाग क्यों नहीं बना? क्या कारण है? योगी जी के राज्य में शाहीन बाग बनाने की चेष्टा की गई, योगी जी ने डंडा चलाया। दिल्ली में डंडा इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि वहां पर केंद्र की पुलिस है। काव्या जी बात समझिएगा, ये लड़ाई अमित शाह वर्सेस मुस्लिम है, ये लड़ाई कोई हिंदुत्व की नहीं है, ये लड़ाई अमित शाह वर्सेस मुस्लिम है। क्यों? अमित शाह गृह मंत्री इतने प्रबल गृह मंत्री हैं कि वो किसी भी मुद्दे पर झुकना नहीं चाहते हैं, देश की भावनाओं को लेकर वो देश के विषय में सोच रहे हैं, वो ना हिंदू के विषय में सोच रहे हैं ना मुस्लिम के विषय में सोच रहे हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में सोचा जा रहा है। जो हमारे घुसपैठिए आ रहे हैं बांग्लादेशी और जगह से आ रहे हैं, तो अगर देश में इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी तो आने वाले समय में देश की स्थिति क्या होगी? काव्या जी आपको याद है जब 120 रुपए किलो प्याज 100 रुपए किलो प्याज बिकना शुरू हुआ था तो यही विपक्षी दल ने कितना हाहाकार मचाया था सिर्फ एक प्याज के लिए जो खाने वाली चीज है। लेकिन जो चीजें लोगों की जाने ले रही हैं उनके बारे में विपक्षी क्यों शांत बैठा हुआ है? अभी त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। आप हाउ इट इज पॉसिबल 3 महीने होने वाले हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, कहां से फंडिंग हो रही, किस तरीके से हो रही, देखिए निश्चित जानकारियों में आएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है देर आए दुरुस्त आए, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी इसमें आ चुके हैं बीच में, और आपको भी मालूम होगा कि वही ये डोभाल हैं जो पाकिस्तान में जासूस बन कर रहे थे और पाकिस्तान उनको नहीं पकड़ पाया था। अगर आज हिंदुस्तान में उन्होंने कहीं पर ये जासूसी काव्या जी कर दी ना तो जितनी राजनीति है सब ये धरी की धरी रह जाएगी विपक्षियों की, और ये परतें खुलती चली आएंगी धीमे 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 धीमे। और काव्या जी आने वाले समय में आप जरूर देखिएगा जो हमारे पुलिस वाले जिनकी बिचारों की मृत्यु हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये निकल के आया है कि इनको गोली लगी है, वो कंधे पर लगी है, राइट तरफ से गोली आई है। तो ये सारी चीजें काव्या जी धीमे धीमे आ रही। नहीं अतुल जी, अभी आपने कहा कि ये जो लड़ाई है ये मुस्लिम वर्सेस अमित शाह है, बिल्कुल काव्या, क्या अमित शाह को ये नजर नहीं आ रहा कि इस हिंसा में रतन लाल जो वो हिंदू समुदाय से आते हैं उनकी हत्या हुई है, उनका एक्शन लेना जरूरी है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि वो हिंदू के लिए एक्शन ले मुस्लिम के लिए एक्शन ना ले, एक्शन तो ले कम से कम। काव्या जी धीरज रखिए, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, समय आ चुका है,
बलवान समय आ चुका है, चार चार उन्होंने बैठके की अमित शाह ने। और आप ये देख के चलिए क्या कारण है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी आते हैं और उसी समय पर ये पूरा दिल्ली उबल पड़ता है। क्या कारण है कि उसी समय पर अलीगढ़ उबल पड़ता है? कुछ तो कारण रहा होगा, पीछे की कोई राजनीति रहेगी। लेकिन यह हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मैं हिंदुस्तान की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मैटर को इन्होंने नहीं उठने दिया। अब आप आइए दूसरी जगह, जब ये ट्रंप जी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे करना चाह रहे थे तो विपक्षी दल बड़ा खुश था, उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि ट्रंप जी जब अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो धारा 370 और सीए के विषय में निश्चित बोलेंगे। और यहां के कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने इस प्रश्न को पूछा भी था और विदेशियों से भी पूछवाया था, तो हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने बहुत सीधा उत्तर दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला और भारत इसको बहुत अच्छे ढंग से डील कर रहा है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो ये क्या मुस्लिम समुदाय को संदेश नहीं गया? क्या विपक्षियों को संदेश नहीं गया? या पाकिस्तान से अगर फंडिंग हो रही है, पीएफआई से फंडिंग हो रही है, तो क्या ये उनको संदेश नहीं पहुंचेगा? तो निश्चित है कि जो भारत की सरकार है वो इस क्षेत्र को इन बातों को सुनने के बाद अपने को बहुत मजबूत महसूस कर रही होगी। और काव्या जी थोड़ा सा 72 घंटे आप और रुक जाइए और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी एक और बात निकलकर सामने आ रही है, अगर किसी भी जज को स्थिति ये आ चुकी है कि अपने घर को कोर्ट रूम में तब्दील करना पड़ जाए, उसे रात के 12 बजे ये कहना पड़ जाए कि 186 लोग घायल हैं, वो जिस अस्पताल में है उससे बड़े अस्पताल में उन्हें भिजवाना है, तो पुलिस बल से वो फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डीजीपी से फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अधिकारी से फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि भैया रास्ते को क्लियर करवाइए, किसी तरीके से एम्बुलेंस से उन घायलों को बड़े अस्पतालों में पहुंचवाइए, उनको इलाज की जरूरत है। ये हालत हमारे देश की हो चुकी है, हमारे अंदर इतनी मानवता नहीं रह गई है कि अगर हमने हिंसा के दौरान किसी को चोटिल भी कर दिया है तो कम से कम वो अस्पताल में अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने इलाज के लिए जा सके। काव्या जी जी, मैं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं जी, कि अगर हमारे देश में न्यायालय न होते जी तो स्थिति क्या होती कि बेकाबू सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि चाहे वो सार्वजनिक समस्याएं हो चाहे देश की समस्याएं हो, सबसे ज्यादा हस्तक्षेप हमारा न्यायालय ही करता है। बिल्कुल, और जब तक न्यायालय हमारा हस्तक्षेप नहीं करता तब तक निराकरण नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कोई किसी से कम नहीं है और वोट की लड़ाई है। यहाँ देश नहीं है, यहाँ वोट है, सत्ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए भी सारी पार्टियां एक तरफ लगी हुई है। मोदी जी अभिमन्यु वाले रूप में घूम रहे हैं कि हर आदमी चाह रहा कि छवि खराब हो, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि क्या हुआ कि कल ही परसों ट्रंप जी आए हुए हैं, उसके बाद से दंगा होना शुरू हो गया। ये क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में हमारी स्थिति ठीक नहीं है या हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं है? कम से कम आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की गरिमा को तो बरकरार रखिए, ऐसी राजनीति मत कीजिए कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि धूमिल हो रही हो। बिल्कुल, मैं तो ऐसे राजनीतिक नेताओं की घोर निंदा करता हूं जो देश से ज्यादा अपनी कुर्सी समझते हैं जी। और यही मेन कारण है, मैं तो समझता हूं कि जब से ट्रंप जी आए हैं ये लोग लगे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहीं भी देखे सीए मुद्दे पर उन्होंने कहा इंटरनल मामला है जी। और सही भी है, कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं कहेगा कि आप घर में अपने अनुशासन ना रखिए। तो मैं तो मान रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं साजिशें हैं। और जैसे अभी मिश्रा जी ने कहा कि पीएफआई फंडिंग करिए, कोई तो फंडिंग कर ही रहा है। और डोभाल जी के आने से मैं उम्मीद करता हूं कि जहां जहां डोभाल जी हमारे हनुमान जी हैं, जहां जाते हैं वहां सफलता तो नहीं होती, सफलता ही मिलती है। और डोभाल जी को दे दिया गया है तो मिश्रा जी का कहना सही कि दूध दूध पानी पानी होगा। और जो ये नंगा नाच करा रहे हैं दिल्ली में, वो चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे असामयिक तत्व हों, चाहे हमारे आतंकवादी गतिविधियां, वे बेनकाब होंगे और निश्चित रूप से दंडित किए जाएंगे, समय आ गया है। बिल्कुल अतुल जी, खुफिया एजेंसी की तरफ से एक बड़ी खबर मैं कह सकती हूँ कैसे आई है, जिसमें कहा गया है कि आईएसआई का हाथ भी इन हिंसक घटनाओं में सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि कुछ ट्विटर अकाउंट्स ऐसे पाए गए हैं, कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स पाए गए हैं जिनमें फेक वीडियोस डाली गई हैं, फेक कंटेंट डाला गया है, और उन कंटेंट में कहीं ना कहीं कहा गया कि आप हिंसात्मक होइए, अपने लिए लड़िए। वारिस पठान का बयान कह लीजिए, चाहे मैं किसी कपिल मिश्रा का बयान कह लूं, इन लोगों के बयान के बाद स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी है। वारिस पठान का ये कह देना कि हम आजादी छीन के ले लेंगे, कपिल मिश्रा का ये कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप को जाने दीजिए, उसके बाद हम स्थिति को सामान्य कर ले जाएंगे, ये होते कौन है आखिरकार? देखिए काव्या जी, यहां से शुरू कीजिए आप, बीज से। सबसे पहले आपका आया 3 तलाक, वो भी मुसलमानों के लिए था, प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सोच रखी,
और वो नियम पारित हुआ। फिर दूसरे नंबर पर आप आइए धारा 370 कश्मीर को लेकर, जहां पर हमारे कश्मीरी भाई बहुत परेशान थे वहां के नेताओं से, उसको प्रधानमंत्री जी ने सोचा। अब थर्ड नंबर पर आइए आप सीए को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे, आप देखिए इसमें बुराई कहने में नहीं कि बांग्लादेशी आ रहे थे, अफगानिस्तानी आ रहे थे, पाकिस्तानी आ रहे थे, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही थी इसीलिए इसको किया गया। ठीक, अब इन चीजों को जनता ने बिल्कुल शांति से स्वीकार किया क्योंकि वो जानती थी कि देश के भविष्य की बात है। ये विपक्षियों को लगा कि भाई ये सारी चीजें होती चली जा रही हैं और अगर हमने एक बार भी इसका विरोध नहीं किया तो हम हिंदुस्तान में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे यहाँ जो बाहर से आने वाले वो अब नहीं आ पाएंगे और किसी प्रकार से बवाल नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक अपनी कमेटी फांड कर ली, उस कमेटी में जैसे आपने नाम लिया आईएसआई का, ठीक, आप पीएफआई को भी उसमें ले सकती हैं, ऐसा नहीं है, उसमें आप पाकिस्तान को भी ले सकती हैं, उसमें आप जम्मू कश्मीर के कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भी ले सकती हैं, और आप भारत में जो विपक्षी दलित की पार्टियां हैं उनको भी ले सकती हैं, और हमारे कुछ ऐसे सांसद हैं उनको भी आप ले सकती हैं। ये पूरी एक कमेटी है, कमेटी है पूरी, तो ये बैठ के सारी वार्ता हुई कि भाई कैसे किस तरीके से इसको किया जाए और इसका कैसे इसको अडॉप्ट किया जाए कि बवाल शुरू हो जाए। अब आप आइए, आपने कपिल जी की बात, तो मतलब अतुल जी आप क्लियर कहना चाहते हैं ना कि ये बवाल शुरू किया गया, ये किया गया नहीं है काव्या जी, किया गया है कराया गया है इन लोगों के द्वारा, इस बवाल को कराया गया है किया हिंदुस्तान के जो यंगस्टर है उनके द्वारा। आप देखिए जो पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को समझाया, ये आप नहीं कह सकती हर व्यक्ति गलत है काव्या जी, नहीं बुजुर्गों के हाथों पे भी हमने ईंटें देखे हैं, बड़ी ताकत के साथ मारने का प्रयास किया उन्होंने, हर व्यक्ति को गलत नहीं कह सकती, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो इन्होंने समझाया। अब आप आइए कपिल मिश्रा की बात लेकर चलिए, उसके बाद आपने भी दूसरे पक्ष है उनका भी नाम लिया, उन्होंने भी कह रखा है, ठीक है कपिल मिश्रा जी बोले, कपिल मिश्रा जी ने देखिए वहां से वो लोग चले सीए के विरोध में, ये समर्थन में चले। पत्थर का काव्या जी पहले कहां से चला था, ये बोरे में पत्थर क्या एक ही मिनट में भर के आ जाएंगे, क्या ये जो पेट्रोल पंप है, क्या पेट्रोल बम है, क्या एक ही बार में बन के आ जाएगा, क्या था जो तेजाब की शीशियां थी क्या वो एक पांच ही मिनट में तैयार हो जाती, ये वेल प्लानिंग थी कि जब ट्रंप जी आएंगे 24 तारीख को तो 23 तारीख की रात तक सारी तैयारियां कर ली गई थी। इन तैयारियों को अमेंडमेंट इनका हुआ 24 तारीख को, और ट्रंप जी का 11:40 पर प्लेन आना होता है और आपका मीडिया खुद दिखाता है कि 10:32 से सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। ठीक, क्या अब आप खुद इस चीज को समझिए कि वेल प्लानिंग थी कि नहीं थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारत सरकार है यहां पर, और जो दल उसके साथ में शामिल है, उन्होंने इस चीज को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। ये देश की काव्या जी अस्मिता का प्रश्न होता है, देश का एक अपना एक छवि होती है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप ये बताइए एक राष्ट्रपति अमेरिका का के जो सुप्रीम पावर है वो हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, और आप देखिए कितनी छोटी बातें हम लोग सोचते हैं लेकिन वो वहां पर बैठकर राष्ट्रपति उन छोटी बातों को बड़ा समझता है। आप लीजिए शौचालय को लेकर चलिए, क्या एक अमेरिकन राष्ट्रपति ये बात कहेगा? आप गांव की बिजली को लेकर चलिए, क्या एक राष्ट्रपति कहेगा? नहीं, उन्होंने इस बात को कहा, और उन्होंने ये भी कहा देखिए कि मोदी जी दिल के बहुत साफ हैं, बहुत सुलझे हुए, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता में वो कठोर है। तो अगर देश को बढ़ाना होगा तो निर्णय लेने के लिए क्षमता को कठोर रखना पड़ेगा। बिल्कुल सुनील त्रिपाठी जी, मरने वालों की संख्या 20 पहुंच चुकी है। मेरा सीधा सवाल है, ये जो हिंसा हो रही है ये संविधान के नाम पर की जा रही है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें हमारे अधिकार चाहिए। आप संविधान के नियमों के तहत मांग कर रहे हैं हिंसात्मक तरीके से, जो पहले असंवैधानिक हो गया। दूसरा, आप उस मुल्क के अंदर के लोगों की हत्या कर रहे हैं इस हिंसा के नाम पर। ये हत्या क्यों, आखिरकार क्या मिलेगा इस हत्या से? क्या ये कानून बदल जाएगा या ये कानून वापस चला जाएगा, या फिर जो एक पक्ष है उसकी सारी मांगे मान ली जाएंगी? क्या होगा अपने ही देश के मुल्क के लोगों की हत्या करने से, क्या होगा? काव्या जी, ये एक साजिश है जी। मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये आंदोलन नहीं, ये साजिश है जी। क्योंकि विपक्षी पार्टियां देख रही थी कि प्रधानमंत्री जी जो जो निर्णय लिए,
चाहे वो धारा 370 थी या मंदिर मस्जिद का मामला सबसे गंभीर मामला था। लोग समझते थे कि देश पूरा जलेगा, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने इस मामले को इतना शांतिपूर्ण से निपटाया कि दोनों धन्यवाद देने योग्य रहे। विपक्षी पार्टियों को मौका तो मिल नहीं रहा था। उन्होंने सीए को, और जबकि सीए की इनको जानकारी भी नहीं है, हमें बयान देख चैनलों पर दुख होता है कि जब उनसे पूछा जाता है आंदोलनकारियों से कि आप सीए के बारे में क्या, तो सीए हमको भगा रहे हैं, मोदी जी भगा रहे हैं, शाहजी भगा रहे हैं, यही बयान आ रहे हैं सीए पर। तो मैं चाहता हूं कि किसी अच्छे नेता से पॉलिटिशियंस बहस की जाए, शायद उसको भी जानकारी हो सीए क्या चीज है। सीए का हवा बना पता ही नहीं है, नहीं पता ही नहीं है, लेकिन हवा बड़ा सा बना के रख दिया। जी संविधान की आप बात करते हैं, हमें कष्ट होता है कि उसी संविधान से पूरा देश चलता है। बिल्कुल, आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, आप खतरे में डाल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं हम सीए लागू नहीं करें, क्यों नहीं? जिस बिल को संसद ने पास किया, संसद देश की आत्मा होती है, विधानसभा प्रदेश की आत्मा होती है, उसमें पास किया गया, बहस तहस पास किया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं इसको लागू नहीं होने देंगे, क्यों नहीं होने देंगे? देश आपका है, ये तो देश 125 करोड़ लोगों का है, चाहे वो नेता हो और चाहे वो पब्लिक हो। तो इस तरह से बयान दे करके ये तो संविधान की अवमानना की जा रही है, और जो लोग कह रहे हैं हम लागू नहीं होने देंगे, कुल लोग कह रहे हैं कि रंगा बिल्ला नाम रख दीजिए, ऐसे बयान देने वालों। इसी पे एक सवाल है मेरा सुनील त्रिपाठी जी, अभी हाल ही में अखिलेश यादव का विश्व बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी की वजह से समाज में नफरत का जहर घुलता जा रहा है, कैसे ऐसा है? ये तो देखिए, अगर नेता कोई भी नेता हो बोलेगा नहीं दूसरे पर, तो उसकी दुकान कैसे चमकेगी? नहीं, अखिलेश यादव ने तो खुद कहा था कि हम अपनी जनगणना नहीं बताएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, वोट देने के लिए कागज दिखाने के लिए तैयार है, आरक्षण अगर चाहिए होगा, अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई डॉक्यूमेंट गलत हो जाता है उस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए भी देश के हर एक नागरिक जाएगा, अगर आरक्षण चाहिए, आरक्षण का लाभ चाहिए, लेकिन कोई कागज अगर एविडेंस के रूप में देखने के लिए कह दिया जाएगा तो वो नहीं दिखाएंगे। ऐसा है कि काव्या जी, मैं तो इस बात के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, कम से कम सजग तो हुई, इतने घुसपैठिए हमारे वहाँ आ चुके हैं कि हम अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे हैं, घुसपैठियों को हम कहाँ तक पालें। प्रधानमंत्री जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि मोदी जी दिल से दयालु हैं लेकिन निर्णय लेने बहुत कठोर हैं, सत्य है। जहां धर्म की बात आती है, अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है, तो मोदी जी हम तो मानते इन्हीं निर्णयों पर रहते हैं, जो देश के हित में है वो चाहे कितना कठोर निर्णय हो लेते रहते हैं। शायद अगर उन्होंने निर्णय न लिया होता ये सीए का, तो आज 10 साल बाद क्या स्थिति हमारे देश की होती, ये तो आने वाला वक्त बताता। घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, आज भी हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है कि हमारे देशवासियों में कितने घुसपैठिए सेंध लगा चुके हैं। बिल्कुल अतुल जी, एक सवाल मेरा है और मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल जायज सवाल होगा, हर आम आदमी जो एक शिक्षित वर्ग है क्या कर रहा है आज का शिक्षित वर्ग वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, अगर आप समाज को थोड़ा सा भी समझते हैं तो वो भी एक दौर आया जब 500 और 1000 के नोट को 1 सेकंड के अंदर इनवैलिड घोषित कर दिया गया कि ये नहीं है, वैलिड ही नहीं है, आज की तारीख से ये समाप्त हो गया। 130 करोड़ की जनसंख्या में कुछ लोग नाराज भी हुए, लेकिन वो भी बैंकों की लाइन में लगे, पैसे लेने के लिए लगे, मौतें हुई लोगों की उस दौरान, सरकार पर कई सवाल उठे, लेकिन फिर भी जनता ने लाइनों में खड़ा होना जायज समझा। लेकिन आज जब ये कह दिया गया कि कुछ लोग हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, एनआरसी का आला वाला पता नहीं, कागज पे है नहीं कोई, उसका ड्राफ्ट नहीं तैयार, कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको देश से निकाल दिया जाएगा, इसका बिल्कुल क्लियर फॉर्मेट है, मतलब देश की जनता समझदार है। अगर आप एकाएक उनकी बड़ी धनराशि को उठा के बदल दे रहे हैं, उसको इनवैलिड घोषित कर दे रहे हैं, वो उस पर आपके साथ नाराजगी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वो जीएसटी जैसे कानून को उन्होंने मान लिया जिसको अभी तक आधे लोग समझ नहीं पाए हैं, तो फिर सीए को इतनी जल्दी कैसे समझ गए? काव्या जी, आपने एक बात कही, ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं। आप अब ये बताइए, अखिलेश यादव जी, अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे, आपने भी कहा जी, जब चुनाव हुआ दिल्ली का तो इन्होंने अपने आधार कार्ड से, वोटर आईडी से जाके वोट को डाला। उनको ये मालूम है कि अमानतुल्ला खान को हमें वोट देना और 71,000 वोटों से जिताना है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराना है। उस जगह पर जाकर कागज दिखा सकते हैं जहां पर इनकी अपनी बात आएगी। देखिए काव्या जी, सीए इसलिए नहीं लाया गया, सीए इसलिए लाया गया कि हमारे जो मुस्लिम वर्ग है, जो नीचे तबके पे है, गरीब है, वो भी इस चीज को भुगत रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू ही भुगत रहा है, सारी कास्टें उस चीज को भुगत रही हैं कि जब शरणार्थी आते हैं और इस तरीके से आकर देश में बस जाते हैं तो देश पर आर्थिक मार पड़ती है,
और जब देश पर आर्थिक मार पड़ेगी तो उस आर्थिक मार को हम लोग जो यहां पर पैदा हुए हैं, जो रह रहे हैं, उनको सबसे पहले झेलना पड़ेगा। बेकर, बेकर। इस चीज को जिस दिन विपक्षी ये समझ जाएगा, देखिए विपक्षी क्यों नहीं समझता है, वो सांसद है, वो विधायक है, वो मंत्री रह चुका है, वो सब कुछ रह चुका है, उसको धन की कोई चोट नहीं है। लेकिन जो नीचे तबके का आदमी है उसको ये मालूम है कि हमारी आर्थिक स्थिति की चोट कैसी होती है, ये तब उसको मालूम पड़ता है। और आपने कहा कि लोगों लोग लाइन में लगे, लोग मर गए, ठीक है, अच्छी बात है कि जब ये नोटबंदी का समय आया, लीगल टेंडर नहीं रहे 500 के नोट, 1000 के नोट, इसके पीछे रीजन रहा मोदी जी का। और उस मोदी जी के रीजन को हम काव्या जी चैनल पर बैठकर कह सकते हैं कि 50% भी सक्सेस नहीं होने दिया लोगों ने, ये 50% के नीचे सक्सेस हो पाया। अगर जो प्लानिंग भारत के प्रधानमंत्री की थी, अगर लोग साथ दे देते और 80% सक्सेस हो जाती तो मैं वही कह रही अतुल जी, उस दौरान जनता ने, मैं ये नहीं कह रही कि पूर्णतः समर्थन किया इस कानून का, लेकिन जो समर्थन भी मिला और जो लोग नाराज भी थे, तो क्या उन्होंने इस तरीके की हरकतें करी, ईंटें पत्थर गोलाबारी करनी शुरू कर दिया, लोगों के मकान और दुकानें जलानी शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं किया था देश की जनता ने? देखिए देखिए उस समय पे लोगों ने कहा, ऐसा नहीं, हमारे विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने लेके कहा, जीएसटी को लेकर कहा, कई चीजों को, और दलों के नेताओं ने कहा, और उसका प्रभाव ये हुआ कि देखिए हर व्यक्ति को ये लगा कि ये देश के लिए किया जा रहा है, सीए भी देश के लिए किया जा रहा है। लेकिन गलती आपको, देखिए काव्या जी मुझे कहने में गुरेज नहीं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, गलती वहां पर ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी थे और जो गृह मंत्री जी थे, उनको अपना एक स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से देना चाहिए था। वहां पर अमित शाह जी ने वो कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट देकर लोगों को कंफ्यूज कर दिया। सीए के बारे में उन्हें जनता को बताना चाहिए था, और बीच में उन्होंने पता नहीं कहां से एनआरसी का एक तोता पकड़ा और उसको खड़ा कर दिया। वहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बोलते समय पर कि मैं एनआरसी भी लाके रखूंगा, बैठ जाइए, बात समझिए। तो वो उसको क्या किया कि विपक्षियों ने पकड़ लिया, उनको एक झुंझुना चाहिए था। अब उस चीज को क्लियर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को आना पड़ा, संसद में कहना पड़ा, कोर्ट में कहना पड़ा, लेकिन तब तक काफी देर तब तक में काव्या जी काफी देर हो चुकी थी। वो ये नहीं जानते थे कि इस बात का इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा। लेकिन हाँ काव्या जी, मैं एक बार जरूर कहूंगा कि जो विदेश में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इस चीज को समझ सकता है कि निर्णय लेने की क्षमता में मोदी जी बहुत कठोर हैं, तो यहां के लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि ये सीए लग चुका है और ये खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, ये समझना बेहद जरूरी है, आपका और हमारा बेहद समझना जरूरी है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, क्या आप उस मुल्क के लोगों की ही हत्या करनी शुरू कर देंगे? 20 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है, तकरीबन 200 की संख्या पहुंचने वाली है जो लोग घायल हुए हैं। जरा जहन में एक बार जरूर लाइएगा कि क्या ये आपके मुल्क के लोग नहीं है, या आपका इनसे कोई रास्ता वाता नाश्ता कुछ भी नहीं है, कोई मतलब आपका लेना देना नहीं है क्या इनसे? मानवता के नाते ही सही, ये तो सोचिए कि कम से कम हत्या ना करें किसी की। इस प्रदर्शन को रोक लीजिए और इस हिंसात्मक प्रदर्शन को खासकर रोक लीजिए। यहाँ रखें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जबां की मौत से पहले, बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए, जरा जोर से कहिए मैं भी जर्नलिस्ट। इंडिया वॉच तक अपनी स्टोरी पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन से तस्वीर खींचिए, अपने शब्दों में अपनी स्टोरी लिखिए, खुद भी सेल्फी मोड में जाइए और अपनी बात बुलंद आवाज में कह डालिए। सब कुछ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8423399999 पर भेज दीजिए। हाँ, अपना नाम, पता, फोटो और स्थान लिखना मत भूलिएगा।
हमारी जो ये स्कूल है ये अच्छी होनी चाहिए और हमारा जो गांव है इनमें ये हस्बेंड्री होनी चाहिए, जो आंगनवाड़ी सेंटर है इनमें बच्चों के लिए खाना अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह ये करेंगे, मैं मुझे बहुत बहुत विश्वास भी है। अच्छा हमारा नरेंद्र मोदी साहब अच्छा आया, लेकिन ये काम करें। हमारे को नागरिकता तो मिली 70 साल से, तो ये तो पाकिस्तान था, हम तो पाकिस्तानी। ब्रेक में आपका स्वागत है। एक अग्नि परीक्षा इस समय भारत दे रहा है दिल्ली के हिंसा को देखते हुए, और एक अग्नि परीक्षा आज सिर्फ सेना को देनी होगी, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की आज पुण्यतिथि है। जहां वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर एक बार फिर शिवसेना के हिंदुत्व की परीक्षा होनी है, वहीं भाजपा ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि जोर शोर से मनाने का निश्चय किया है। आपको बता दें कि शिवसेना सरकार में रहते हुए कांग्रेस की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी, इसलिए शिवसेना का रुख स्पष्ट नहीं है। जबकि इस दौरान भाजपा नेता शिवसेना पर नजर रखेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार आने के बाद सावरकर के अपमान का सिलसिला जारी है। हालांकि शिवसेना हमेशा वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पेश करती रही है, जबकि कांग्रेस उनका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस की मासिक पत्रिका सिदोरी में सावरकर को लेकर कई आपत्तिजनक लेख लिखे गए थे, जिसमें सावरकर का चरित्र हनन किया गया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया था, लेकिन शिवसेना ने इस पर ज्यादा तूल नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं आज एक अग्नि परीक्षा जो है वो शिवसेना की भी होनी है कि आखिरकार वो कौन से मतदार पर जाने वाली है। महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं सावरकर को लेकर के जो कॉन्सेप्ट शिवसेना का चलता आया है वो थोड़ा सा डामर डोल जरूर हुआ है। वीर सावरकर को पूजने कहने वाली शिवसेना आज डिफेंड नहीं कर पा रही है। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेती हूं। अतुल जी के पास पहले जाऊंगी। अतुल जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज सावरकर की पुण्यतिथि है और कहीं ना कहीं मझधार में है आज शिवसेना, उसे आज निर्धारित करना है कि क्या वो उतने ही जोर शोर से सावरकर की पुण्यतिथि मनाएगी जितने जोर शोर से आज बीजेपी मनाती नजर आएगी। अगर काव्या जी जे उद्धव जी सत्ता की लोलुपता को लेकर चलेंगे तो सावरकर जी का विरोध करेंगे जे, और अगर सत्ता की लोलुपता रहेगी तो सावरकर का जो है वो, तो आप ये मान के चलिए कांग्रेस की पत्रिका है, आपने खुद नाम बताया विदोही, जिसने उसमें उसका गलत संदेश दिया सिदोरी में, ठीक, और कांग्रेस द्वारा इसमें जो लेख लिखा जाता रहा वो इनके खिलाफ लिखा जाता रहा। कांग्रेस आज से तो खिलाफ है नहीं सावरकर जी के, सावरकर जी के खिलाफ शुरुआत से चलती चली आ रही है। अब वो इस चीजों को मानती भी नहीं ना सुनती है। उद्धव जी के अब देखिए, हम लोग की कहावत कही जाती है गुड़ की हसली ना लीलते बनती है ना उगलते बनती है। आज की स्थिति में काव्या जी यही होगा और ये उद्धव जी के लिए बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि वो आज क्या करते हैं। अगर उन्होंने निगेटिव किया तो हिंदू वोट, पॉजिटिव चले गए तो वाले वोट, तो आप दोनों चीज को मान के चलिए कि सोनिया जी की नाराजगी या तो ये झेले सत्ता की लोलुपता के लिए, और अगर सत्ता को इनको दूसरे ढंग से लेके चलना है तो सावरकर जी की बड़ाई करे। आप एक चीज और काव्या जी मान के चलिए, यहाँ पर अतुल जी एक चीज है, अगर समर्थन कर गए, अगर सावरकर की पुण्यतिथि को जोर शोर से मनाया तो सत्ता हाथ से जाएगी, नहीं मनाया तो अपना आधार ही शिवसेना खो देगी। भाई काव्या जी सत्ता कैसे हाथ से जाएगी आप बताइए, आप कह रही सत्ता हाथ से जाएगी, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी हुई है, उद्धव ठाकरे जी भी मिलने गए थे कि नहीं गए थे, बात हुई कि नहीं हुई। तो राजनीतिक दल अगर कोई किसी से मिलने जा रहा है तो इसका मतलब है कि राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। ये मान के चलिए कहीं ना कहीं धुआं उठेगा जरूर जी। सुनील जी धुआं उठेगा, ये कितना उठेगा,
बाला साहब ठाकरे की नीतियों को तो शिवसेना ने तिलांजलि दे ही दी एक तरीके से, हर फॉर्मेट पे वो बाला साहब ठाकरे की नीति को बदल चुके हैं। अब बात आती है वीर सावरकर की, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा जब राज ठाकरे ने मनसे का ध्वज बदला तो वहां मंच पर सावरकर की तस्वीर थी और तस्वीर में उनको पूजने के साथ उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करी गई, श्रद्धांजलि भी अर्पित करी और उनको नम आंखों के साथ एक बार फिर याद किया गया और गौरव से कहा गया कि वीर सावरकर हमारे साथ इतिहास में जुड़े थे और सुनहरे पन्नों पर उनका नाम अंकित है। लेकिन उद्धव सरकार नहीं कह पाई, जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिदोरी में किया गया सावरकर को लेकर के, उद्धव सरकार कुछ ना कह पाई। काव्या जी, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में कहा रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटत अंग। जब से सरकार इन्होंने बनाई है कहीं न कहीं कुछ न कुछ करवाहट लगातार जारी है, स्थिति विकट है सरकार की। हाँ, और शिवसेना का मेन मुद्दा हिंदुत्व का था, तो जिस मुद्दे से सरकार बनी या लोग जुड़े उनसे, उस मुद्दे से अगर शिवसेना हट जाएगी तो उसको काफी क्षति होगी, ऐसा नहीं है। और जैसे पिताजी ने कहा कि सही बात भी है, एक विकल्प तो उनके पास भाजपा, जिसके साथ दसियों साल गुजारे हूँ वो तो मित्र उनका बैठा ही है। अगर मान लीजिए कांग्रेस समर्थन किसी मुद्दे को वापस भी ले लेती है तो बीजेपी तो विकल्प ही है। मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा गलती तो शिवसेना ने यही की कि पुराने साथी छोड़ नए साथी से हाथ मिला लिया। पुराना मित्र कितना भी हो लेकिन कुछ न कुछ स्नेह उसमें रहता रहता है, नया मित्र हमेशा धोखेबाज होता है, क्योंकि वो उसका काम नया मित्र भी तो नहीं है और नया मित्र भी नहीं, जो नया मित्र है वो बहुत पुराना दुश्मन रह चुका है। और देखिए त्रिपाठी जी, एक बात और फंसेगी, मैं आपको बताऊं, अभी मार्च में अयोध्या जा रहे हैं उद्धव जी और रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद में फिर देखिएगा कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आएगी, तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलना ही चलना है। ये बहुत दिन तक हमारा विचार है नहीं चल पाएगा, जिस तरह से लुढ़क रही है ट्रेन, लुढ़कने दीजिए, क्योंकि हर मसले पर अगर मैं सुनील जी कहूं बिल्कुल विरोध पर है। एनपीआर में उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, भाई ऐसी कोई नीति तो है नहीं, हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे एनपीआर के तहत ही, हम जनगणना भी करवाएंगे। उसको लेकर के कांग्रेस और एनसीपी लगातार विरोध पर बैठी हुई है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि काव्या जी सबसे नुकसान मैं तो मानता हूँ कांग्रेस को ही होगा, इसलिए जो घुसपैठिए आए किसके रुझान में आए, वोटर बने कैसे बने, और मेरे संज्ञान तो ये भी आ रहा सूत्रों से कि जो घुसपैठिए यहाँ आए किसी रिश्तेदार भी बन गए हैं, जब रिश्तेदार हो गए तो अब अगर रिश्तेदार भगाया जाएगा तो चाहे हमारा गला कटे चाहे हमारा सर फूटे हम तो उसको छोड़ने देंगे। कुछ व्यवस्था इस बीच में भी आ रही है कि उन घुसपैठियों को मोदी जी रहने नहीं देंगे, साथ साथ रहने नहीं देंगे। ये भी है कि जब रहने उनको नहीं देंगे, हमारे रिश्तेदार हो गए हैं वो लोग और राजनीतिक पार्टियों के वोटर भी हैं, तो दोनों लोग चाहेंगे कि ये घुसपैठिए हमारे वहां से जाए यहाँ से, और जब न जाने की स्थिति होगी तो आपस में मनमुटाव तो किसी किसी मुद्दे पे रहेगा ही। घुसपैठियों को लेकर भी तो बाला साहब बिल्कुल क्लियर थे कि घुसपैठिए भारत की सीमा के अंदर नहीं रहेंगे, तो ये तो खुद इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि घुसपैठिए भारत के लिए बड़ी समस्या का कारण बन चुके हैं, लेकिन नीति अब बदल गई है, कांग्रेस भी नहीं चाहती घुसपैठिए बाहर जाए क्योंकि वोट बैंक पर असर आएगा। इंदिरा जी जैसा प्रधानमंत्री या तो मोदी जी आए, मेरे दिल से पूछिए तो इंदिरा जी और मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री देश में न कोई आएगा और न कोई आने वाला है। कड़े कदम लेने के लिए दोनों इंदिरा जी ने जो निर्णय लिया, वरना आज आतंकवाद से पूरा देश ग्रसित हो गया होता। बिल्कुल। जहां देश की बात आती थी वहां इंदिरा जी एक तरफ खड़ी होती थी। मैं बहुत तो सीनियर नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा कार्यकाल जरूर देखा है स्टूडेंट लाइफ में, कि जो भी निर्णय हो, देखिए आतंकवाद खत्म कराने वाला कौन, वरना आज पंजाब हमारे हाथ में न होता, इतना कठोर निर्णय, भले उन्होंने अपनी उनको शहीद होना पड़ा अलग बात है, लेकिन देश के लिए शहीद हुई, आतंकवाद खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसे निर्णय लेने में इंदिरा जी और मोदी जी में हम अंतर नहीं मानते, लेकिन अब जो वर्तमान कांग्रेस है इसमें न निर्णय लेने क्षमता है और घर में ही द्वंद्व शुरू हो गया है, और यही कारण है कि जो राष्ट्र स्तर पर और देश जितने शासन किया हो आज उसकी क्या स्थिति हो रही है, और दिन पर दिन होती जाएगी, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उससे अलग हो रहा धीरे धीरे, और वंशवाद क्षेत्रवाद जातिवाद हावी हो रही है। बिल्कुल। तो सर बिल्कुल ये स्थितियां आज एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर होके पता भी चल जाएगा कि क्या शिवसेना सावरकर के समर्थन में खड़ी हो पाती है, खासकर उनकी पुण्यतिथि पर, और बीजेपी क्या करती है, शिवसेना क्या करती है, देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल की। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप भारत पहुंचे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और इसके बाद पाकिस्तान की भी एक स्टेटमेंट आई है, दोनों पहलुओं पर चर्चा करना बेहद अहम हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कह देना कि नागरिकता संशोधन कानून भारत की सीमा के अंदर का मसला है, उस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, यह क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल कोई भी फोरम ऐसी नहीं है जो भारत के इस मसले पर हस्तक्षेप करना चाहती हो। बचा पाकिस्तान, पाकिस्तान तो कौन सा ऐसा मामला है भारत जिसमें वो अपनी टांग ना अड़ाए,
अगर भारत में प्याज की कीमत 100 से 150 किलो होगा तो भी पाकिस्तान के पेट में दर्द उठेगा, और अगर वो 10 रुपए किलो भी मिलेगा तो भी पाकिस्तान के पेट में दर्द उठेगा, क्योंकि वो एक पड़ोसी मुल्क है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि आप सब कर सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, और यही कारण है कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क वैसे तो दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए था, लेकिन जो स्थितियां निकल कर सामने आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे तो इन स्थितियों के बाद कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अभी हाल ही में महमूद कुरैशी की तरफ से बयान दिया गया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कश्मीर के मसले पर भारत को हमसे चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया है जम्मू कश्मीर से, उसके कारण वहां बहुत सी ऐसी स्थिति हो चुकी है, कश्मीर के बहुत से टुकड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये हिंसा लगातार देखी जा रही है। चर्चा का विषय है अपने आप में महमूद कुरैशी का बड़ा बयान। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद है, चर्चा करते हैं उनसे कि आखिरकार क्या स्थिति है, क्या कहेंगे अतुल जी। जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय पटल कहता है कि ये आपका व्यक्तिगत मसला है, दूसरा उसमें हस्तक्षेप करता है, उससे अंतर्राष्ट्रीय पटल क्या कहूं, अपना पड़ोसी मुल्क है जिसकी आदत है कि वो जरूर कुछ कहेगा। पांच अगस्त को ये हुआ, 13 अगस्त को 2019 को यही विदेश मंत्री ने कहा कि धारा 370 जो है भारत से नहीं हट सकती, अगर हम इसकी खुशी मना रहे हैं तो हम इस मुगालते में ना रहे, पहले नंबर पर आप ये लेकर चलिए। अब वही विदेश मंत्री ये कहते हैं कि आप द्विपक्षीय वार्ता के लिए हम तैयार बैठे और हमसे आप वार्ता करिए, जबकि इमरान ने ये कहा था उसी समय पर कि ये हमसे वार्ता नहीं करना चाहते हैं। ये वही महमूद कुरैशी हैं, कोई दूसरे महमूद कुरैशी नहीं है। अब महमूद कुरैशी की तीसरी बात आती है, कहें इसमें द्विपक्षीय नहीं तीन पक्षीय वार्ता होगी। तीन पक्षी कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के लोग। अब देखिए, उसके बाद में आप ये कहते हो कि भाई कश्मीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हाँ जी। अरे भाई कुरैशी जी, आप हमको ये बताओ, क्या भारत का नए ढंग का नक्शा आपने बना लिया है क्या? अरे आप अपने देश को संभालिए। जो एक विश्व की महाशक्ति अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति यहां पर आकर अपना स्टेटमेंट देकर जाता है सीए के बारे में, जिससे कम से कम 4-5 अच्छे अच्छे पत्रकारों ने इस प्रश्न को पूछा, उन्होंने साफ ये कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है। तो इसका मतलब अमेरिका भी समझता है कि मोदी की बातों के सामने, मोदी के निर्णय के सामने मैं भी नहीं खड़ा हो सकता। तो तुम पाकिस्तान इस चीज को समझ लो कि तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। अब आइए आप महमूद कुरैशी, इनको ये अभी एक त्रिपाठी जी ने वहां इंदिरा गांधी का नाम लिया, मैं पूर्व प्रधानमंत्री का, ये इनको सबक लेना चाहिए कि हमारे टुकड़े छोड़िए। काव्या जी, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, आपको याद होगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो तुम्हारे टुकड़े कर एक नया बांग्लादेश इंदिरा गांधी जी ने बना दिया था। उन यादों को तुम भूल गए हो। जिस दिन उन यादों को ताजा कर लोगे तो जम्मू कश्मीर की तरफ देखना छोड़ दोगे। अब तीसरे नंबर पर मैं आता हूं, धनोआ जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि हम घर में घुसकर तुमको मारेंगे। तो अगर जहां का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है, गृह मंत्री नहीं बोल रहा है, रक्षा नहीं मंत्री नहीं बोल रहा है, घर का एक सेना अध्यक्ष अगर ये बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेना अध्यक्ष की इतनी ताकत हो तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के कितनी ताकत होगी। पाकिस्तान इस मुगालते में ना रहे। और काव्या जी, इसी चैनल पर बैठकर कह रहा हूं कि अभी तो ये लड़ाई है, अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है, ये पीओके के बारे में सोचे, जम्मू कश्मीर के टुकड़े ये इनके लिए सपना होगा। बिल्कुल, सुनील जी के पास जाना चाहूंगी। सुनील जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शांति और स्थिरता चाहते हैं, और इसके लिए जिस तरीके से कुरैशी ने कहा कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये तभी संभव है जब आप हमसे जम्मू कश्मीर के मसले पर चर्चा करेंगे, जबकि इससे पहले कई बार भारत सरकार कह चुकी है कि हमें आपसे चर्चा करने पे कोई इशू नहीं है, और वो भी अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते तो उस पर तो हम आपसे वैसे भी चर्चा नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे केवल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर। काव्या जी, ये पाकिस्तान को ये बात जान लेनी चाहिए, कभी अशफाक उल्लाह खान और मीर अब्दुल हमीद गए नहीं यहाँ से, संख्या घटी उनकी। क्या सारे मुस्लिम ऐसे नहीं है कि जो देश के विरोध में खड़े हैं? आज भी उनको जान लेना चाहिए कि हमारे हजारों लाखों करोड़ों, तब तो मीर अब्दुल हमीद अकेले थे, अशफाक उल्लाह अकेले थे, आज करोड़ों अशफाक उल्लाह खड़े हैं देश में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजनीतिक पार्टियां उन अशफाक उल्लाह को और अब्दुल हमीद को हमसे मिलने नहीं दे रही हैं।
ऐसे लोग डाक सामने खड़ा कर देती हैं कि जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है, मनुष्य रूप में पशु हैं, जिसको जिस बारे में जानकारी नहीं, धन प्रदर्शन उसका हो रहा है। तो मैं तो पाकिस्तान को आप चैनल माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता खंडित नहीं हुई है। जो हर बार कहते हैं, वाजपेयी प्रधान ने कहा इतने हमारे मुसलमान भाई, इतने हिंदू भाई हैं, ये उनकी भूल है। अगर खुदा ऊपर वाला ना करे, जंग होती है, ये आंकड़ा वो गिनते हैं, हम नहीं। हाँ, हम नहीं गिनते हैं, हम तो मानते हैं, हम 130 करोड़ ही कहते हैं हमेशा। 130 करोड़ कहते हैं, और 130 करोड़ में आधी अशफाकुल्ला खान और अब्दुल हमीद जैसे लोग हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है वहाँ। बिल्कुल, पहली बात पाकिस्तान को ये जान लेनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान की सियाही बिल्ली है। आज मोदी जी की कहिए या मोदी जी की नीतियों के बारे में कहिए, मुस्लिम कंट्रीज भी हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए कि दो दूनी चार ही होते हैं। अगर किसी सामने रखा जाए फार्मूला के दो दो कितने होते हैं, तो कोई नहीं कहेगा छह होते हैं, सब कहेंगे चार होते हैं। आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी हमारे देख रहा है कि भारत में जो निर्णय ले जा रहे हो वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, जनहित में है। तो ऐसे मुद्दों पर देखिए, अमेरिका ने भी हमारा साथ दिया है। भारत के लोग कितने प्यारे हैं, मैंने डोनाल्ड ट्रंप जी का बयान देखा तो बहुत मन अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने बात स्वीकार की कि भारत के लोग कितने प्यारे, कितने हमदर्द हैं, एक दूसरे कितने प्यार से मिलते हैं। उन्होंने हमारी कल्चर, हमारे भारतीयों की तारीफ की। और आप कह रहे हो कि ऐसे हैं वैसे हैं, तो पाकिस्तान की चर्चा करना तो बेकार है। ये तो किसी ही बिल्ली है, कभी परमाणु बम मारते हैं, कभी उड़ा देते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी हाथी तरह चलते रहते हैं, एक कुत्ते तरह भौंकते रहते हैं, कोई असर नहीं है। और ये बात जो मिश्रा जी कह रहे हैं, वो समय दूर नहीं है कि पीओके हमारे हाथ में होगा। आपको याद होगा अंगद जी की तरह हमारे धनोबा जी कह रहे हैं, फिर राम सीता मैं हारी, वो कह रहे हैं बिना परमिशन लिए घर में घुस के मारेंगे। तो जब सेना अध्यक्ष हमारा इस तरह से शक्तिशाली है, ने भी क्लियर कर दिया, हमारे सेना अध्यक्ष ने भी क्लियर कर दिया कि आप एक बार संसद से आदेश तो दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, वो सरकारें नहीं जो डरती हैं, महमूद कुरैशी हैं, ये जवान की बहुत जल्दी फिसलती है। बिल्कुल बिल्कुल, अब इन्होंने अपनी एक जवान फिसलाई थी, इनके जुआ पर आया था, खुद कहा था इन्होंने कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। ये इनके जमा की बात मैं कह रहा हूं, और उसके बाद में फिर ये कहते हैं वहां के राजनेताओं को छोड़ दो। अरे भाई, तुमको महबूबा मुफ्ती से क्या लगाव है, तुमको उमर अब्दुल्ला से क्या लगाव है, तुम्हारी आतंकवाद चलता है वहीं से, इसलिए लगाव है, इसलिए लगाव है कि आप वहां पर फंडिंग करते थे, आतंकवाद चलवाते थे, आतंकवादी पैदा। आपको खुद है, देखिए अभी हमारे खुद सेना के जो रिपोर्ट आई है उसमें खुद बताया गया है कि इस साल में अब तक में 25 आतंकवादी मार दिए गए, और उनका अपना खुद का ये सोचना है कि 250 से लेके 300 के बीच में इमेजिन कर रखा है कि आतंकवादी और है, इनको भी हमें निपटाना है। तो उन्होंने अपने को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, और हमने उनको मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। तो काव्या जी, ये आर और पार की लड़ाई है। मैं आपसे सिर्फ एक चैनल पे ये कहना चाहता हूं कि अभी वारिस पठान का नाम लिया त्रिपाठी जी ने, तो उन्होंने स्टेटमेंट को अपने वापस भी लिया है। तो उन्होंने बोल दिया था कि 15 करोड़ मुस्लिम हैं और हम 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं वारिस जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वारिस जी, हम 100 करोड़ की जरूरत नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ही जी ने आपके लिए बहुत भारी हैं, आपके लिए इतना ज्यादा भारी हैं कि आप आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई कार्यशैली से इतना परेशान हो चुके हैं कि आपको ये शब्द बोलना पड़ गया। तो वारिस जी, जब भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, क्यों? क्योंकि आपको अगर आप अपनी वार्ता को वापस लेना पड़ेगा तो आपकी व्यक्तिगत छवि निश्चित खराब होगी। बिल्कुल सुनील जी, कुछ लोग जरूर हैं जिनके स्टेटमेंट्स को मैं लेकर कह सकती हूँ कि भारत की सीमा के अंदर तो रहते लेकिन भला नहीं छोड़ सोचते भारत का, लेकिन जिस तरीके से पाक को हर बार एक बात इंकित करी गई है कि आप भारत के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, वो हमारा मामला है, हम अपने घर में क्या चीज कैसे करते हैं, ना हम आपके घर के मामले में बोलते हैं, ना आप हमारे घर के मामले में दखल दीजिए, क्या इतनी सामान्य सी बात पाकिस्तान को समझ नहीं आती है? ऐसा है काव्या जी कि पाकिस्तान की आदत बन गई है, जैसे कभी आप देख लीजिए, आप पड़ोसी, भगवान न करे पड़ोसी दुष्ट मिले, अगर दुष्ट मिल गया, बढ़िया कपड़ा पहन के आप घर से निकली, ऐसे देखिएगा, अरे पता नहीं कहां से पैसा ला रही है, पता नहीं कैसे खा रही है, क्या कमेंट करता है। वही हाल हमारे पड़ोसी देश का है कि ये नहीं देख रहे हैं कि आज भुखमरी मोदी जी कितनी खत्म की है। आप अपने देश का हालात देख लीजिए, भोजन नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले हैं, लोग तरह तरह कर रहे हैं, उसको आप नहीं देख रहे हैं। वो हमारे बढ़ती हुई छवि को, हमारे देश की बढ़ती हुई गति से परेशान, वो अपने आप से नहीं परेशान है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लीजिए,
वो ये नहीं देख पा रहे कि उनके खुद के मुल्क के लोग ये कह रहे हैं कि हमें भारत में जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को और वहाँ के राजनयिकों को कि जो जिस देश जनता कह रहे हो कि हमको आप ले लीजिए। अरे यही तो आपने 47 कह दिया होता, बात बंटवारा ना होता हमारे देश का। त्रिपाठी दुर्भाग्य है इस बात का। यूएस प्रेसिडेंट ने बात कही है कि 10 साल के अंदर भारत से गरीबी खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो विश्व की सर्वोच्च शक्ति इस बात को बैठ के स्वीकार कर रही है कि मोदी के जो भी निर्णय हो रहे हैं इस समय पर वो गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए हो रहे हैं। तो विपक्ष एक ना एक दिन देखे, प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी कहे कि आइए लड़ते हैं हम लोग गरीबी के खिलाफ, पाकिस्तान से भी के खिलाफ, बहुत सी चीजों के खिलाफ भारत लड़ा, लेकिन पाकिस्तान के भारत से लड़ने के लिए बैठा हुआ है। अपने अंदर की चीजों को नहीं सुधार पाएगा। शिक्षा के लिए हम लोग लड़ाई की थी, जनहित के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन जंग हम लोग जमीन के लिए और अपने निजी मुद्दों के लिए न लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मेहमानों बहुत धन्यवाद मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। बात करते हुए कई चीजें निकल कर सामने आई, कई चीजों में वो चीजें भी निकल के आई जब हमने इंदिरा गांधी के कार्यकाल की चर्चा करी। पाकिस्तान कैसे भूल जाता है 1971 का वो समय जब हमने उसको दो भागों में बांट के रख दिया, एक पश्चिम बंगाल बन गया और एक पाकिस्तान रह गया। ये चीजें समझनी पड़ेंगी पाकिस्तान को कि वो क्यों आखिरकार भारत के मसलों पर बोलता है, वो भी तब जब खुद सेना के अध्यक्ष बात कह देते हैं कि अगर आप हमारे मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो हम संसद से अनुमति लेंगे और उसके बाद जो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आप अपना हिस्सा मानते हैं उसे भी अपने में सम्मिलित कर लेंगे। इन चीजों को पाकिस्तान कब समझेगा ये अलग बात है, लेकिन ये चीजें समझनी पाकिस्तान के लिए जरूरी है क्योंकि ये उसके लिए कहीं ना कहीं एक दिन घातक हो जाएंगी। इस तरीके के बयान देना और किसी के मसले पर जाके बात करना ये सही नहीं है। आप अपने देश की स्थितियों को सुधारिए, दूसरे के मसले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। लाते थे जब जाना कह